तो क्या हाल है सिक्सर के चाहने वालों, विकेट के मतवालों, क्रिकेट के दीवानों। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सीपीएल 2022 मैच नंबर 10। अगर हम इस 10वें मैच की बात करें ना, तो गुआना अमेजोन वॉरियर्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच में खेला जाएगा। गुआना की बात करें तो इन भाई साहब ने 2 मैच खेला, 1 हार गए, 1 मैच नो रिजल्ट था, अभी इनके ना जीत का खाता नहीं खुला। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की बात करें तो इन्होंने 4 मैच खेला जिसमें से 2 मैच हार गए और 2 मैच नो रिजल्ट है, इनके भी ना जीत का खाता नहीं खुला। इनके बीच में जो सीपीएल का पिछला मैच होना था ना, वो बीच में बारिश आ गई, कहने लगी हम आपको ना गुत्थम गुत्थी होने नहीं देंगे, हम चाहते नहीं गुआना अमेजोन वॉरियर्स वर्सेस टिकट्स के बीच में मैच हो और कोई एक हारे और एक जीते आज के दिन। उस दिन ना गुआना को खेलने का मौका मिला, ना सेंट किट्स को एक दूसरे के सामने खेलने का मौका मिला। बारिश ने खेला, बारिश ने जीता, लेकिन कहते हैं ना बारिश कितने दिन रोक पाओगे आप इन दोनों को। फिर से ये दोनों टीमें आ गई तमतमाते हुए एक दूसरे के सामने। गुआना कहने वाली है सेंट किट्स आपके सामने मैच तो हम ही जीतेंगे। सेंट किट्स कह रहा है बड़ा आया मेरे से मैच जीते, मैच तो हम जीतेंगे, भूल गया पिछले साल की चैंपियन था। तो गुआना कह रहा है चैंपियन था, अभी तो एक भी मैच जीता नहीं, बड़ा आया चैंपियन। वो कहता है कि चैंपियन तो चैंपियन होता है, मैच हारे या जीते, चैंपियन 1-2 मैच हार सकता है लेकिन सारे मैच नहीं हार सकता, आज का मैच जरूर जीतेगा। तो दोनों टीमें यहां पे जीत के लिए भिड़ने वाली हैं, लेकिन आपको पता खेल तो वो होता है, क्रिकेट मैच वो होता है जहां पे एक टीम जीतती है एक हार जाती है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आप जानना चाहते थे ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं जब ये दोनों टीमें हेड टू हेड इससे पहले आमने सामने आई हैं तब कौन सी टीम किस पे पड़ी है भारी। तो ओवरऑल इनके बीच में अभी तक 15 मैच खेला गया जिसमें से गुआना ने 10 मैच जीता, सेंट किट्स ने 5 मैच जीता। मतलब जब गुआना और सेंट किट्स आमने सामने होते हैं, जो गुआना की टीम होती है ना वो भारी पड़ती है किसके, सेंट किट्स के ऊपर। सेंट लूसिया में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होगी, तो देखने वाली बात होगी यहां के मैदान पे जब ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होगी तो बाजी किसके नाम पर जाएगी। सितंबर के महीने में इनके बीच में 3 मैच खेला गया जिसमें से 2 मैच जीता गुआना ने, 1 मैच जीता सेंट किट्स ने। मतलब सितंबर के महीने में जो गुआना की टीम होती है ना मात देती नजर आ रही किसको, सेंट किट्स को। थर्सडे के दिन के बीच में 2 मैच खेला गया, दोनों ही मैच गुआना ने अपने नाम पे किया, यानी थर्सडे के दिन जो गुआना की टीम होती है ना आसपास भी भटकने नहीं देती किसको, सेंट किट्स को। अगर सीपीएल 2021 पिछले सीजन की बात करें तो इनके बीच में 3 मैच खेला गया था और तीनों ही मैच सेंट किट्स ने अपने नाम पे किया था। तो सेंट किट्स कह रहा है बाजी बदली ना, पिछले सीजन आपको मैंने एक भी मैच जीतने ना दिया था। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो गुआना ने 2 मैच जीता है, सेंट किट्स ने जीता है 3। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट 5 मुकाबले की बात करें या फिर पिछले सीजन की बात करें तो जो सेंट किट्स की टीम है ना वो आसपास भी भटकने नहीं दिया किसको, गुआना अमेजोन वॉरियर्स को। दोस्तों क्या सेंट किट्स फिर से वैसी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगा और करेगा हर मैदान फतेह, या फिर गुआना अमेजोन बोलेगा इस बार हम तैयार है पलटवार करने के लिए पिछली हारों का बदला लेने के लिए, चलो फिर यही जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है जान। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया बहुत ही फायदे महसूस होंगे, अच्छा ऐसा क्या थे टेलीग्राम पे, तो मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिलेगी, ज्वाइन करो, 2-4 मैचों मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी कौन सा देर हो गई, सभी मैचों में आपको फायदे में रहना, सोच लो सभी मैचों में फायदे में रहना तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाले। आपको पता ना सीपीएल के अलावा एशिया कप भी चला था, एशिया कप के सभी मैचों की प्रेडिक्शन भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। अगर हम इस मैच की बात करें थर्सडे 8 सितंबर इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा डैरेन शमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में। यहां के मैदान पे अभी तक T20 डोमेस्टिक के 27 मैच खेले गए जिसमें से 10 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड हुआ, 17 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज। मतलब यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होते हैं टारगेट चेज होते हैं। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 159 रन, टारगेट चेज की बात करें 155 से नीचे स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 171 प्लस स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है, 155 से 171 के बीच में टारगेट होगा। आप समझ जाना जो मामला है ना वो बराबरी का है, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ के मैदान पे जो मैच होते हैं ना वो मीडियम स्कोरिंग होते हैं, ना बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ना बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड होने की वजह से होता है कि जो तेज गेंदबाज है ना उनको यहाँ के पिच से थोड़ा सा न्यू बॉल से सीम मिलता है, सीम के साथ स्विंग करता है कभी इनसाइड स्विंग कभी आउटसाइड स्विंग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। तो शुरू के 4-5 ओवर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो बल्लेबाज शुरू के 3-4 ओवर संभाल ले गए उसके बाद जो बॉल होता है ना बैट पे काफी अच्छे से आता है टाक टाक टाक, मतलब बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो हम कह
सकते हैं यहाँ का जो पिच है ना वो बैलेंसिंग पिच है, न्यू बॉल से तेज गेंदबाजों को हेल्प करता है और जब बॉल पुराना हो जाता है तो बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। अगर हम आज के मैच की पावर प्ले स्कोर की बात करें आपको 45 से 50 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ के मैदान पर कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीतेगी आज का मैच, चलो जानते हैं। गुआना अमेजोन वेरियस की बात करें तो मैंने बताया ना दो मैच खेला, एक जीता एक नो रिजल्ट था, अभी जीत का खाता नहीं खुला। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो आई थिंक कोई भी चेंज ना होने वाला। सिमरन हिटमायर बोलेंगे भाई साहब बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं, क्योंकि जो इनकी टीम है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है चंदर पॉल हेमरॉय और पॉल स्टॉलिंग की बात करें तो भाई साहब T20 का लीजेंड ओपनर है, और चंदर पॉल हेमरॉय की बात करें सीपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। सिमरन हिटमायर की बात करें वो खुद T20 के बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं। हेनरी क्लासन की बात करते पिछले 6-7 महीने से हेनरी क्लासन T20 में बढ़िया बल्लेबाजी करें। से होप की बात करें तो T20 के उतने अच्छे बल्लेबाज लगते नहीं लेकिन फिर भी इनिंग को संभाल सकते हैं। ओरियन स्मिथ इनके पास एक गजब का ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में फिनिश कर सकता है, गेंदबाजी भी बढ़िया कर सकता है, तेज तर्रार। रोमोरियो सेफर्ट की बात करें T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। गुड्डा केस मूटी की बात करें तो हमेशा CPL में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। बाकी स्पिनर्स की बात करें तो ओहो इमरान ताहिर और तब्रेज शमसी। इमरान ताहिर जहां एक लीजेंड गेंदबाज साउथ अफ्रीका का, वहीं एक चमकता सितारा साउथ अफ्रीका का तब्रेज शमसी। तो जो यहां पे गुआना अमेजोन की टीम है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है, बैलेंसिंग है। हाँ पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई, हो जाता है एक आधा मैच में जो प्लेयर होते परफॉर्म नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब प्लेयर हो गए, इस मैच में उम्मीद होगी कि बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले। वहीं बात करें सिंडिकेट्स एंड नेविस पैटियस की, पिछले साल की चैंपियन है लेकिन इस बार तो चैंपियन की तरह बिल्कुल भी ना दिखे, क्योंकि 4 में से 2 हार गए, 2 नो रिजल्ट है, शायद वो दोनों नो रिजल्ट ना रहते वो भी हार जाता है। तो डीजे ब्रावो ना इस बार डीजे ब्रावो वाला डांस करने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि जब जीतेंगे नहीं तो मौका कहां देंगे। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आंडे फ्लेचर और एमिल लुइस दोनों काफी बढ़िया ओपनर हैं लेकिन इस सीजन अभी तक चले नहीं है, दोनों के दोनों ना फ्लॉप हो रहे हैं। अगर हम बात करें डिवाल्ड ब्रेविस मतलब एक उभरता हुआ साउथ अफ्रीका का सितारा है जो काफी बढ़िया T20 का बल्लेबाज है लेकिन अभी तक चला नहीं। सरफिन रदरफोर्ड की बात करें तो ये भी भाई साहब अभी नहीं चला। डीजे ब्रावो के भाई डैरेन ब्रावो की बात करें तो भाई साहब आपके भाई की टीम है तो इसका क्या मतलब, आपकी परफॉर्म ही नहीं करोगे, जैसे मन कर वैसे खेलोगे, ये भी नहीं चले। बाकी ऑलराउंडर की बात करें तो ड्वेन पेटोरियस और ड्वेन ब्रावो इनके पास दो ऐसे ऑलराउंडर हैं जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और T20 में जबरदस्त गेंदबाजी भी करते हैं। तो मतलब अभी तक तो यहां पे सही दिख रहा है कि मतलब बल्लेबाजी लाइनअप भी ठीक ठाक है, ऑलराउंडर भी इनके ठीक ठाक है। गेंदबाजी की बात करें तो इनके पास शेल्डन कोटरेल जैसा तेज गेंदबाज है जो कि T20 में बढ़िया गेंदबाजी करता है, थोड़ा सा कभी कभी महंगे साबित हो जाते हैं लेकिन न्यू बॉल से तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। लेकिन उसके बाद अकीला धनंजय है, अगर देखें तो यहां पे जो गेंदबाजी है ना ड्वेन पेटरियस, ड्वेन ब्रावो, अकीला धनंजय एंड शेल्डन कोटरेल तो मतलब कुछ खास नहीं दिख रही। 3 गेंदबाज तो इनके बढ़िया दिख रहे हैं लेकिन चौथा और पांचवा गेंदबाज है ना जो बढ़िया नहीं दिख रहा, वो महंगा भी साबित हो रहा है, विकेट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बात ना यहाँ पे जो मतलब चैंपियन टीम है सिंडिकेट्स ये थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं क्योंकि इनके सभी गेंदबाज बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं जो मामला है ना वो मुझे बराबरी का नजर आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा चलो फाइनली अब हम ना यही जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। तो सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करिए जो मैच है ना वो 50-50 है, 50 गुआना अमेजोन वॉरियर्स और 50 सिंडिकेट्स एंड नेविस पैट्रियस। लेकिन भाई लोग मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच है ना गुआना अमेजोन वॉरियर्स अपने नाम पे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बिन गुआना अमेजोन वॉरियर्स। लेकिन आपको पता है ना ये क्रिकेट मैच है और क्रिकेट मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी ना मैच स्टार्ट होने के 2 से 3 घंटे पहले आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, इसलिए मेरा टेलीग्राम आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर डालो। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ना बहुत ही फायदे में, आप सोचेंगे अच्छा ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पे, तो भाई साहब मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिलेगी ज्वाइन करो। तो 4 मैचों मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। वैसे भी CPL के अलावा एशिया कप भी तो चल रहा है, एशिया कप के सभी मैचों की प्रेडिक्शन चाहिए ना तो उसकी भी प्रेडिक्शन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत ज्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।